से बाजार में मांस की बढ़ती मांग से गया और बोधगया के बाजारों में मांस की कमी हो गई है। मांस की कमी की खबर सुनते ही बोधगया के एक संस्था में सिलाई सीख रही लड़कियां सूती के कपड़े के 3 स्तर के मास्क बनाने में जुट गई हैं। मांस नहीं मिल रहा, कमी हो गई है, इसलिए हम बनाकर खुद और निःशुल्क और लोगों को हम लोग बांट रहे हैं। एक मास्क बनाने के लिए सूती कपड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि दूसरे का संस्था हम लोग सांस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि लोग छींकते हैं और हम लोग उसी सामने रहते हैं तो वो हमारे शरीर में भी प्रवेश करते हैं, इसलिए सूती कपड़ा सही होता है। और एक मास्क बनाने में से लगभग 5 से 6 मिनट लगते हैं और हम लोग 5 से 6 मिनट गवा अगर हम लोग वो बचा लेते हैं तो और बहुत से इंसान को जान जा चुकी होगी। बितराम देश की संस्था द्वारा संचालित सिलाई सेंटर में हर दिन 20 लड़कियों का समूह 1000 मास्क बना रहा है। मास्क बनने के बाद संस्था से जुड़े लोग बोधगया के आसपास के गांव-गांव जाकर निशुल्क मास्क वितरण कर रहे हैं। सूती कपड़े और उसको अस्तर लगाकर लेयर से लेयर बनाकर उसको सुरक्षित तरह से उस बनाया जा रहा है ताकि जो है जो अगर किसी को अगर जुकाम हो, सर्दी हो या किसी को कोरोना वायरस का इफेक्ट हो गया हो उसे आसानी से बचा जा सके। ये 3 लेयर का बन रहा है और लगभग इसमें 20 लड़कियां यहाँ पर हैं जब ताकि जो है इसको बनाया, जब 1 मिनट 5 मिनट में एक मास्क तैयार किया जाता है, लगभग 1000 पीस हम लोग तैयार कर रहे हैं लोगों के बीच में वितरण करने के लिए। आपको बता दें, गया का बोधगया अंतर्राष्ट्रीय स्थल होने से कोरोना वायरस के लिए अति संवेदनशील माना जा रहा है। बोधगया के बाजारों से मास्क भी खत्म हो गया है, अगर मिल भी रहा है तो उसके लिए 2 गुने नहीं 4 गुने अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं। गरीब लोग पैसे के अभाव में बिना मास्क लगाए भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूम रहे हैं। ऐसे में बितनामी संस्था की छोटी सी पहल बड़ी बीमारी को मारने में कारगर साबित होगी। गया से ईटीवी भारत के लिए सुजीत पांडे।